असलकम आज हम डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स का लेक्चर नंबर 36 डिस्कस करने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि इस कोर्स का कोड है सी एस फोर ज़ीरो थ्री आई होप अभी तक आप कोर्स के साथ जा रहे हैं और आपको कोर्स समझ आ रहा है और हमारा आपका रबता भी है क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमें लिखते रहें और हम उनका जवाब देते रहें अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि डाटा इज़ एन इंटरेस्टिंग कोर्स क्यों इसलिए कि आप इसका इस्तेमाल जो है वो अपनी डे टू तो डे लाइफ में फ्रीकुनली देखते हैं आपको जगह जगह नज़र आता होगा कि इस जगह आप डाटा बेस का इस्तेमाल हो रहा है इस जगह डाटा बेस का इस्तेमाल हो रहा है और ये चीज़ इंटरेस्ट क्रिएट करती है और आई होप कि आप अब तक जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो उनसे काफ़ी हद तक फेमिलियर हो चुके हैं और आपके ज़हन में ये सख्त तड़प हो रही होगी कि हमें मौका मिलना चाहिए फ़ौर कि हम किसी जगह का सिस्टम डिज़ाइन करें वैल आपको जो असाइनमेंट मिलेंगी वो आपकी इस तड़प का कोई ना कोई आपको सजेशन देंगी in the previous lecture, we discussed the indexed sequential files. This SE is file organization hai that supports both types of accesses, the sequential as well as direct. or heba, many explain explained k. self a type key jo access hai, wo generally, tamam applications is not enough. most of the applications, they require both forms of access. sequential b. और डायरेक्ट भी और इंडेक्स क्वेश्चन फाइल एक ऐसा हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो दोनों सपोर्ट करती है क्यों और कैसे वो इसलिए और ऐसे कि एक तरफ तो ये रिकॉर्ड्स को स्टोर करती है एक सीक्वेंस में एक तरतीब में और नॉर्मली वो जो सीक्वेंस है दैट इज़ दी वैल्यू ऑफ़ द प्राइमरी की उस वैल्यू के बेस पर वो आपके रिकॉर्ड्स को ترتیب में स्टोर करती है इस एक्टिविटी का या इस सेक्शन का फायदा ये होता है कि इट कैन सपोर्ट दिक्वेंशियल एक्सेस और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम इट इज मेन्टेनिंग द इंडेक्सेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस की वैल्यू उसका आपको फायदा यह है कि यू कैन हैव द डायरेक्ट एक्सेस तो ये जो इंडेक्स सिक्वेंशल फाइल है इस तरीके से इस अप्रोच के तहत आपको दोनों तरह की एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करते हमने मुख्तो इशूज थे उनको डिस्कस किया स्पेशली रिगार्डिंग दी इंसर्शन एंड अपडेशन या रिमूविंग ऑफ द रिकॉर्ड्स तो उसमें आपसे कहा था कि अगर हम उसको स्मार्टली नहीं करेंगे तो वो उस वो आपका लिए ओवरहेड बन जाएगा इंडेक्स को मेंटेन करने के सिलसिले में तो वहाँ पे एक और चीज़ जो मैं अब आप, आपको यहाँ बताना चाहूँगा वो ये है कि वी कैन मेक द डायरेक्ट एक्सेस थ्रू इंडेक्स फाइल्स इवन स्मार्टर बाय इंक्लूडिंग ए हायर लेवल ऑफ इंडेक्स उससे आप कह सकते हैं कि सिलेंडर इंडेक्स एक्स यानी अगर आपके जो नॉर्मल डाटा बेस फाइल्स हैं वो बहुत से ट्रैक्स पे मुश्तमिल होती हैं बहुत से ट्रैक्स पे स्टोर होती हैं हो सकता है कि एक डाटा बेस फाइल में सैकड़ों जो है वो ट्रैक्स हैं हजारों ट्रैक्स हैं तो अब होता यह है कि सिलेंडर तो का आपको अंदाज़ा होगा आप कि हो एक जो आपका सिलेंडर है वो मल्टीपल ट्रैक्स पे कंसिस्ट करता है एक हो सकता है एक सिलेंडर के अंदर चार छ आठ दस इतने जो है वो ट्रैक्स हो सकते हैं आप यह कर सकते हैं कि आप एक हायर लेवल का मेंटेन करें इंडेक्स और उसे हम कहेंगे सिलेंडर इंडेक्स सी वर्किंग स्टाइल और वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द सिलेंडर इंडेक्स इज जस्ट लाइक ट्रैक इंडेक्स ओनली डिफरेंस इज ना इट कवर्स ए हायर लेवल ऑफ डिटेल यानी क्या होगा कि आप के पास अगर फर्ज करें कि एक सिलेंडर uh, के अंदर दस ट्रैक्स हैं और एक ट्रैक फर्ज करके अपने पास पांच रिकॉर्ड स्टोर है तो होगा ये कि अब आपके पास वो जो एक सिलेंडर के दस ट्रैक्स हैं सिलेंडर इंडेक्स में उनकी एक एंट्री मेंटेन होगी तो उसको आपको एडवांटेज होगा कि, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रेफर दी सिलेंडर इंडेक्स और जैसे मैं आपसे कहा था ना कि जो आपकी डी की या किसी भी सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है इट डिपेंड्स अलॉट ऑन हाउ द मेमरीज आर मैनेजबेड हाउ दी स्टोरेज इज मैनेज इससे मतलब ये है कि किस टाइप के डाटा को कहां प्लेस करते हैं तो जो स्मार्ट डीबीएमएस है वो क्या करते हैं कि जो आपके जो आपके हायर लेवल के इंडेक्सेज हैं दे ऑलवेज कीप इन द कैश तो उसका एडवाटेज होता है कि आपको यानी जो सिलेंडर इंडेक्स है उसको रीड करने के लिए यू वॉन्ट द डेस्क वो तो पहले से कैश में मौजूद है तो आप जब क्या करते हैं कि जब आपने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड इट्स एंट्री या यू फाइंड इट्स सिलेंडर फ्राम द सिलेंडर इंडेक्स दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन द कैश वहीं से आप देखेंगे तो मैकेजम वही है कि आप आपका जो सिलेंडर इंडेक्स की एंट्री है दैट स्टोर द मैक्सिमम रिकॉर्ड की इन ए सिलेंडर अब इसका मतलब यह है कि अगर आप एक अपनी जो रिक्वायर्ड की है उसको कंपेयर करें पहले सिलेंडर की एंट्री के साथ इफ़ योर रिक्वायर्ड रिकॉर्डर्ड रिकॉर्ड की इज ग्रेटर दैन द एंट्री ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर इसका मतलब है कि फर्स्ट सैंकडर के जो दस ट्रैक्स हैं उनमें किसी में भी आपकी जो रिक्वायर्ड की है जो रिकॉर्ड रिकॉर्ड हम मौजूद नहीं है तो देखिए इससे क्या आपको एडवांटेज हुआ कि आपने दस ट्रैक्स की जो इवन एंट्रीज थी वो भी स्किप कर दी आपको जस्ट एक कंपेरिजन से ये पता चल गया कि हमारे पास पहले पूरे दस ट्रैक्स में हमारा रिकॉर्ड नहीं है फर्ज करें कि वो आपके जो रिकॉर्ड की है वो दूसरे सिलेंडर इंडेक्स है उसकी किसी से कम है देन यू विल मूव टू द ट्रैक इंडेक्स लेकिन आप उस जगह जाएंगे ट्रैक इंडेक्स में दैट बिलोंग टू द सेकेंड सिलेंडर तो वहां से आप सर्च करना शुरू करेंगे और वहां से आप अपना रिक्वायर्ड ढूंढेंगे ट्रैक और उस ट्रैक में जाके आप अपने रिकॉर्ड एक्सेस कर लेंगे तो ये एक माइनर सी मॉडिफिकेशन थी जो कि वी कैन डू इन द इंडेक्स इक्वेश फाइल में इंडेक्सेस के अंदर आज के लेक्चर में द थिंग वी आर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द डायरेक्ट एक्सेस थ्रू हैशिंग इसको हैशिंग uh, फाइल ऑर्गेनाइजेशन uh, भी कहते हैं या डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसका बेसिक आइडिया यह है कि देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द सीक्वेंशियल एक्सेस इन दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन यानी जिस तरह वहां पर था कि आपके रिकॉर्ड एक सीक्वेंस में स्टोर हो रहे हैं और आप जब उनको इफ यू टू है सिक्वेंस सीक्वेंशियल एक्सेस तो आप पहला दूसरा तीसरा तमाम रिकॉर्ड एक तरतीब से पढ़ेंगे और सबको एक्सेस कर लेंगे इसमें वो आइडिया नहीं है इसमें यानी पहली बात तो है कि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि रिकॉर्ड जो है वो की की बेस पे या किसी खास वैल्यू की बेस पर सीक्वेंस में स्टोर होंगे ऐसा कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें कोई कंपल्शन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप अगर फर्ज करें कि जब भी आप इसमें डाटा को स्टोर करते हैं या राइड करते हैं तो जो डायरेक्टली गो टू ए लोकेशन वहां डाटा को स्टोर करते हैं वहीं से उसको रीड कर लेते हैं तो इसमें और फिर पहले में फर्क क्या होता है उसमें फर्क ये होगा कि वैन यू नीड दी दीक्वेंशियल एक्सेस इन दिस सिचुएशन तो आप तमाम जो आपके सिक्वेंशल रिकॉर्ड हैं, सब पे बारी बारी वही प्रोसेस करेंगे कि जो कि आप डायरेक्ट एक्सेस के केस में करते हैं कैसे इसका आपको अंदाजा होगा प्रोवाइड रैपिड नॉन सिक्वेंशियल डायरेक्ट एक्सेस टू रिकॉर्ड एक की रिकॉर्ड फील्ड इज यूज

जो उसका आउटकम होगा वो ये बताएगा कि इस फाइल के अंदर हमारे पास हैं वो कि, आ, किस जगह पे ये रिकॉर्ड जो स्टोर होगा देखिए हैशिंग जो है वो इस आ, यानी थेरी पे बेस करती है कि आपको एक रफ एस्टीमेट होना चाहिए कि हमारे पास जो फ़ाइल है उसमें कितने रिकॉर्ड आएंगे और ये इतनी कोई मुश्किल या कोई आ, ऐसी अनहोनी सी बात नहीं है पर एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू वर्क इन आपको वहाँ पे अंदाज़ा होता है कि इस जगह पे इस टेबल में कितने रिकॉर्ड आ सकते हैं और जैसा कि हमने स्टडी भी किया था वे वी स्टडी दी डाटा वॉल्यूम एंड यूज एनालिसिस हमने बात कितना वॉल्यूम एनालिसिस की कि एक किसी भी टेबल में कितना वॉल्यूम हो सकता है और जाहिर है कि एक तो आपको जो करंट सिचुएशन है वो तो राइट वे पता चल जाएगी ना कि मिसाल के तौर पर अगर आप एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं आपको पता है कि हमारी इस ऑर्गनाइजेशन में जो है वो इस वक्त तो हमारे पास फर्स करें दो हज़ार एम्प्लॉज हैं तो ये तो पक्की बात है कि दो हज़ार तो हैं अब अगर आप अब उस पर यह भी हो सकता है मिसाल के तौर पर कि फ़र्ज़ करें कि आजकल कर चूंकि पीक सीज़न है तो हमने दो हज़ार जो वो किए हुए यह एक्सेप्शन वगैरह नॉर्मली तो ये हज़ार पे होते हैं या आपको ये कह सकता है आजकल डाउन सीज़न है हमने रिड्यूस किए हुए हैं दो हज़ार हैं लेकिन नॉर्मली वो चार हज़ार होते हैं पर इन एनी केस आपको एक एक अंदाज़ा तो है ना आपको पता चल जाएगा वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से कि आपके पास एक पर्टिकुलर टेबल में पर्टिकुलर फाइल में कितने रिकॉर्ड आ सकते हैं तो आप जो आप फाइल क्रिएट करेंगे उसमें आप अगर फ्यूचर एक्सपेंशन को भी मद्देनजर रखते हुए और कुछ और फैक्टर्स की बेस पे भी आप ये एंटिसपेट करेंगे कि जो एक्चुअल तादाद है उससे कुछ ज़्यादा आप उसमें प्रोविज़न रखेंगे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2000 की पॉसिबिलिटी है तो हैशिंग के जरिए आप दो से कुछ ज़्यादा ही आप उसमें स्पेस रखेंगे दैट वुड बी बेटर क्यों हम आगे देखेंगे अगर से आप बाईस के लिए या पच्चीस के लिए आप वहाँ पर स्पेस रखें तो जो आपका हैशिंग मैकेनिज्म है वो ये कहता है कि आप हैशिंग एल्गोरिदम यूँ अप्लाई करते हैं कि जिसके तहत आप की फ़ील्ड पे जो भी प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो आपको एक नंबर देगा वो नंबर जो आपको हैशिंग टेक्निक अप्लाई करने के बाद मिलेगा वो नंबर आप ये समझ लें कि रिकॉर्ड की पोजीशन बताएगा लोकेशन बताएगा आपकी फाइल के अंदर तो अब अगर तो आपके मतलब जो डाटा आप रिसीव कर रहे हैं उसमें कोई एक कोई हामनी है या आपने एल्गोरिथम सही अप्लाई किया तो हो सकता है कि वो रिकॉर्ड आपके इतने ज़्यादा डिफरेंस से स्टोर ना हो लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर फर्ज करें आपने तीन हज़ार रिकॉर्ड की जगह रखी हुई है तो जो बुरा एल्गोरिथम या बुरी तरीके से अगर अप्लाई होगा तो पता जाएगा पहले आपका चौथी पोजिशन पर रिकॉर्ड स्टोर हो गया फिर दरमियान में सारे गैप छोड़ के हज़ारों जगह पर स्टोर हो गया लेकिन दैट यू हैव टू गैस

कि जो आपको एक से लेके या जीरो से लेके और तेईस सौ तक कोई नंबर देगा अब जो नंबर आपको वहां मिलेगा इस पूरे रेंज में दैट विल बी द लोकेशन ऑफ दैट रिकॉर्ड इन ए फाइल अब वही मैंने आपसे कहना कि वो हो सकता है आप एक पे अप्लाई किया आपने तो वो सात आ गया फिर पंद्रह आ गया फिर छ आ गया फिर आठ आ गया फिर सौ आ गया फिर बीस पचास आ गया सत्तर आ गया तो जो जो नंबर आते जा रहे हैं वो वो लोकेशन बनती जाएगी इस रिकॉर्ड की स्टोर करने के लिए नाउ वेन यू वॉन्ट टू एक्सेस द रिकॉर्ड द सेम थिंग सेम थिंग अगेन आप वही जो एलगोरिदम है वो अप्लाई करेंगे उस की के ऊपर जिसके बेस पे आप एक्सेस करना चाहते हैं धारा वही की होगी जिसके बेस पे आपने स्टोर किया था और आपको जाहिर है कि वो वही नंबर रिटर्न करेगी जो कि स्टोर करते हुए किया था एंड यू विल गो टू दैट लोकेशन डायरेक्टली और वहां से उसको एक्सेस कर लेंगे अब इस यानी कि जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर अब ये देखिए कि अगर आपको तमाम रिकॉर्ड सीक्वेंस में भी एक्सेस करने हैं तो उसमें जो ये प्रोसेस है कि आपकी की वैल्यू के ऊपर हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई होगा और एक रिजल्ट निकलेगा आप उस जगह पे जाके चीज़ को एक्सेस करेंगे दिस विल हैपन टू ऑल द रिक्ड्स इफ एंड इफ यू आर हैविंग द सीक्वेंशियल एक्सेस सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल इंडेक्स सीक्वेंशियल एंड द डायरेक्ट और हैशिंग ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें अगर आपने सीक्वेंसल करनी है तो आप पहले record, पहला ट्रैक पकड़ें उसका पहला रिकॉर्ड दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अगला ट्रैक आ जाए तो एक एक ऐसे तो वो तमाम रिकॉर्ड आपको सीक्वेंस में मिलते जा रहे हैं एंड ऑब्वियसली दैट ऑबियसलीट बी एफिशिएंट क्योंकि आपको तमाम रिकॉर्ड एक तरतीब से मिल रहे हैं आप एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं इसमें इसमें आपको देखिए कि इवन अगर आपने सीक्वेंशल भी करनी है तो दिस हैशिंग मैकेनिज्म हैशिंग एल्ग्रदम इट विल बी अप्रोइ एवरी टाइम ऑन द रिकॉर्ड तो इसमें इसका मतलब यह है कि आपको यानी जो सिक्वेंशियल uh, एक्सेस में आपको यह इतनी फिजिबल नहीं है और यही वो बात है कि जो मैं आई हैव हैव टोल्ड यू यू टाइम्स के गॉट डिफरेंट है आपने यह डिसाइड करना आपने यह देखना है कि इस एनवायरमेंट में इस सिचुएशन में मुझे क्या सूट करता है आप वो अडॉप्ट करें इवन यू मे गो फॉर द सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन और मैंने आपको बता दिया है कि जिस सिचुएशन में आपको बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं डायरेक्ट एक्सेस की जरूरत है उसमें अगर आप रिकॉर्ड को सिक्वेंसली स्टोर करें दैट इज वेरी एफिशियंट नो एक्स्ट्रा स्टोरेज एंड यू कैन ऑलवेज हैव द रिकॉर्ड इन ए सीक्वेंस लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जो डायरेक्ट एक्सेस है जो हैशिंग मैकेनिज्म है दिस इज वेरी इन क्योंकि उसने हर दफा जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है आपकी कि जो uh, वो की पे परफॉर्म कर रहा है वो उसमें इन्वॉल्व हो गई है दैट बिकम्स इनएफिशिएंट तो फिर जो डायरेक्ट एक्सेस मैकेनिज्म है वो किस केस में सुटेबल है वो उस केस में सुटेबल है कि जिस वक्त आप जो है वो जनरली जो है वो डायरेक्ट एक्सेस लेते हैं और देखिए इसका एडवांटेज ये है कि इवन आप अगर अपनी इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल को भी देखते हैं देन देर आर मल्टीपल एक्सेस आर इन्वॉल्व लेकिन अगर आप इस तरीके को देखते हैं यू परफॉर्म ए कैलकुलेशन ऑन योर की एंड देयर यू गो डायरेक्टली ऑन योर रिक्वायर्ड लोकेशन तो अगर आप हम ये चीज़ आगे पढ़ने जा रहे हैं स्मार्ट एलगोरिदम और अगर आपका डाटा इवनली बैलेंस है तो आप ये समझ लेंगे फॉर मोस्ट ऑफ योर एक्सेस एंड यू आर देयर ऑन योर रिकॉर्ड रिकॉर्ड फॉर नुमेरिक असेंडिंग ऑर्डर ए सिक्वेंशल की रिकॉर्ड फील्ड दिस माइट इन्वॉल्व सिंपली यूजिंग रिलेटिव एड्रेस इंडेक्स फ्रॉम अ बेस स्टोरेज एड्रेस टू एक्सेस रिकॉर्ड यानी अगर आपके पास आ, आ, की ऐसी है कि जिसमें मतलब वन से वैल्यू स्टार्ट हो जाती है वन टू थ्री फोर एन ऐसे चलती जा रही है तो उसमें तो आपके पास जो हैशिंग है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप सिंपली जो उसका की की वैल्यू है यू यूज द सेम वैल्यू एज की एज अशिंग एट्रीब्यूट एजिंग वैल्यू तो जो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसी को आप उसकी लोकेशन बना लें तो अगर फर्ज करके पास रिकॉर्ड नंबर फाइव आता है तो आप उसको फाइव फिस प्लेस पर स्टोर कर दें उस तमाम फाइल के अंदर अगर फर्ज का रिकॉर्ड नंबर टेन आ गया उसको टेंथ पर चला जाएगा फिर रिकॉर्ड नंबर सिक्स आ गया वो सिक्स पर आ जाएगा फिर रिकॉर्ड नंबर ट्वेंटी आ गया वो ट्वेंटी चला जाएगा तो उस केस में तो इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों उसमें एक सिचुएशन तो ये है कि आपके पास इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में राइट स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू आपके पास कीज ही नहीं होती एक बात दूसरी बात है कि कई के केसेस में यू डू नॉट हैव इवन दी नुमेरिक की तो, तो नॉन नुमैरिक जैसे टेक्स्ट है तो जो बेसिक मैकेनिज्म है आपकी डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन का वो तो वही है कि यू विल परफॉर्म सम कैलकुलेशन ऑन द ऑन द की वैल्यू और उससे आप रिकॉर्ड नंबर या जो रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर वो जनरेट करेंगे तो फिर यह है कि अगर आपके पास फर्ज करेंगे टेक्स्ट टाइप की आपका वो की फील्ड है तो उस पर फिर जाहिर है कि आपको ऐसा मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे जिसके तहत आपको एक नंबर मिल जाए और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है मिसाल के तौर तो पर अगर आप देखें कि इवन आप, आपके पास अगर कोई को टेक्स्ट वैल्यू है उसकी अगर आप एस की कोड ही लेना शुरू कर दें तो वो भी आपको स्टेट वेवल से आपको एक नायरिक नंबर मिल जाता है तो ये तो इतना मुश्किल नहीं है लेकिन बात यह है कि जो बेसिक आइडिया है रैंडम फाइल एक्सेस का वो यही है कि आपने किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू पे और जनरली की एट्रीब्यूट की वैल्यू पे आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और जिसके बेसिस पे आप उस रिकॉर्ड की लोकेशन डिफाइन करेंगे और डायरेक्टली आप उस जगह पहुंच जाएंगे रीड करते हुए भी और राइट करते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम की फील डॉट है time, number, तो उसको आप पे को, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या कोई आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा ये है कि वो तो आप खुद भी कोई डिफाइन कर सकते हैं टू आर टू वेरी वेल नोन आर द प्राइम डिवीजन रिमाइंडर मैथड और दूसरा है फोल्डिंग तो मैथड ये डिवीज़न रिमाइंडर से बता है कि आप इसमें बेसिक आइडियाज़ का यही है कि आप जो आपका नंबर है जो आपकी की है जिसकी बेस की जिसकी जिसकी वैल्यू के बेसिस पे आपने कैलकुलेट करना है उसको आप किसी नंबर से डिवाइड करें और जो उसका रिमाइंडर आएगा उसको आप इस्तेमाल करें एज द हैश वैल्यू यानी अब इसको हम डिवाइड किस नंबर से करेंगे ये डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि हाउ मैनी रिकॉर्ड डू यू एंटिसपेट दैट देर विल बी इन द फाइल जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल दी थी कि 2000 आपके पास रिकॉर्ड हो सकते हैं बट जो एंटिसपेट के हम 2300 सौ रिकॉर्ड से जगह रखते हैं तो अब आप नंबर ऐसे से डिवाइड करेंगे अपने उसको की फील्ड की वैल्यू को कि जो आपको 2300 से कम कम 2300 तक मैक्सिमम आपको नंबर दे दे तो उसका सिंपल सोल्यूशन तो यही है कि आप उसको तेईस से ही डिवाइड करें जब तेईसौ से डिवाइड करेंगे तो जाहिर है कि ऊपर जो आपका जो आपका क्वेश्चन टहाना हो तो कुछ भी आ सकता है लेकिन जो आपको रिमाइंडर होगा वो डेफिनेटली तेईस से कम होगा तो इसका जो रिमाइंडर आपका उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसको यानी एज एज हैश वैल्यू इस्तेमाल कर लें यानी उसको आप बना लें रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर अपने फाइल के अंदर दूसरा तरीका फोल्डिंग का कि आप की कोड डिफरेंट तरीके से फोल्ड करें हम आगे इसको देखेंगे जो पहले देख रहे हैं आप डिवीजन रिमाइंडर वाला सपोज नेशनल आई डी कार्ड नंबर इज द की फॉर एम्प्लॉयज रिकॉर्ड फॉर्मेट इज दिस इज द फॉर्मेट और इसमें साथ ये कहा गया कि न्यू आई डी कार्ड नंबर हैं ये वी टेक द मिडिल पार्ट एंड ट्रांसफॉर्म दैम इन टू ए रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर अब वही एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे अब आप आपके पास जाहिर है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है इस केस में आप जो वैल्यू है इसकी आपका जो ये की की वैल्यू है उसको डायरेक्टली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कर सकते एज द की वैल्यू चुनाचे हमने कहा उसकी बहुत से तरीके हो सकते थे हमने एक एग्जाम्पल ये ली कि जो दरमियान का इसका पार्ट है जिसमें दो चार छत सेवन डिजिटर हम उसको ले लेते हैं और उस पर हम कोई कैलकुलेशन ट्रांसफॉर्म करके उसको एज द हैश की इस्तेमाल करते हैं तो नाउ द मिडिल पार्ट कंसिस्ट ऑफ सेवन डिजिट्स जब सेवन डिजिट्स हैं इसका मतलब है कि ये नंबर होल्ड कर सकता है अप टू वन मिलियन ठीक है वेर हैज अवर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैक्म ऑफ एट हंड्रेड एम्प्लॉइज आप समझ गए होंगे कि इन डायरेक्टली इसको इस्तेमाल करने का मतलब तो है कि बहुत बुरा मतलब है कि यू आर एक्सपेक्टिंग ए फाइल दैट मे हैव दस लाख रिकॉर्ड वन मिलियन रिकॉर्ड्स जबकि प्रैक्टिकली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे आपने डिस्कस किया तो दिस है कि वी हैव राइट नाउ एट हंड्रेड रिकॉर्ड लेकिन चलिए अगर इसको मैक्मम एक्सपैंड भी कर लें इट मे गो अप टू वन थाउजेंड उसमें यह है कि आप इस तरह का इस पर ज़ाहिर है कि कोई मैकनिजम अपलाई करेंगे सो दैट यू गेट ए वैल्यू इन द रेंज ऑफ वन टू वन थाउजेंड उसमें एक सिंपल सा यही हो सकता है कि आप उसको डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड और जो उसका रिमाइंडर है क्योंकि आप वन थाउजेंड से डिवाइड कर रहे हैं द रिमाइंडर विल ऑलवेज भी लेस दैन वन थाउजेंड तो आप उसको डिवाइड कर दें उससे तो जो भी उसका रिमाइंडर रहता है यू यूज दैट एज द हैश वैल्यू आइए इसकी एक्जाम्पल देखते हैं

लेकिन जो हम फाइल स्टोरेज जो लिए रिजर्व कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम जीरो टू नाइन 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 डेट इज वन थाउजेंड प्लेसिस अब इसमें देखें आप कि वो जो आपने जब इस पर आपने अप्लाई किया ऊपर की जो वैल्यूज हैं वैन यू अप्लाइड दी हैशिंग एलग्रदम और जो ये हमारा हैशिंग एलग्रदम कौन सा है जिसमें हम कहते हैं डिवाइड और रिमाइंडर वाला उसका आप देखिए कि जो इस एलग्रदम से हुआ यह कि जो आपकी वैल्यूज हैं उनको वो उस रेंज में ला के मैप कर रहे हैं देखिए वो आप ये जो एरो शो करें वो ये करें कि इस जगह की वैल्यू जो है वो हमारा जो जीरो से नाइन 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 का जो रेंज है जो वन थाउजेंड की रेंज है उस पर इस जगह पे आकर प्लेस हो रही है इस तरह से आप वो तमाम वैल्यूज ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने रिक्वायर्ड फाइल साइज के अंदर एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ऑर्डर ऑफ द की वैल्यू इज नॉट नेसेसरली मेनटेन इन द हैस्ट वैल्यूज यानी अगर आप एग्जाम्पल में देखें कि जो आपकी लास्ट वैल्यू जो आखिर में वैल्यूज हैं वो फाइल के अंदर न पहले आ रही हैं और जो की की जो पहले की वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू से बाद में आ रही हैं फाइल के अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है क्योंकि द ऑर्डर इन विच द डाटा इज प्रैक्टिकली स्टोर्ड इट डज नॉट मैटर एट ऑल वाई बिकॉज यू आर अप्लाइंग दू हैशिंग एल्गोदम फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग तो जब राइट करते हुए आपने हैशिंग एल्गोदम अप्लाई किया तो हैशिंग एल्गोदम ने कोई भी जगह जो जनरेट की है उस रिकॉर्ड के लिए वो वहां पे प्लेस हो गया जब रीड करेंगे तब भी वही हैशी एलगोदम अप्लाई करेंगे तो आपको उसी जगह पे ले चला जाएगा इसलिए इससे मैटर नहीं करता कि जो बात की की वैल्यूज़ हैं वो पहले स्टोर हो रही हैं प्रैक्टिकली डिस्क के अंदर फाइल के अंदर और पहले वाली बातें स्टोर हो रही है इससे फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा जो हमारे पास जिसका हमने कहा था कि फेमस एलगोदम है वो है फोल्डिंग हैशिंग एलगोदम उसमें यह है कि आप बजाय इस तरह के कि आप बास केसेस में ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं होता कि जिससे हम करें डिवाइड करें या वो उसमें इतना एफिशिएंट नहीं होता एफिशिएंट कैसे नहीं होता कि हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक ऑप्शन हमारे पास ये कि हम फोल्डिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर लें फोल्डिंग का यह के फर्ज है जैसे यही हमारे पास जो सिचुएशन थी जिसमें हमने कहा कि हमने अपने आई डी कार्ड का जो नंबर है उसका मिडल पार्ट हम लेते हैं जिसमें हम हैशिंग एलक्रदम अप्लाई करेंगे हम फोल्डिंग उसको यूं करते हैं कि स्प्रिट नंबर इन टू थ्री डिजिट्स पार्ट्स एक्सेप्ट द मिडिल वन ज़ाहिर है चुके हमारे पास सेवन डिजिट्स थे तो अगर आप तीन दिन के उसके बनाएंगे सबसेट्स तो वो आपके तीन तीन जो साइडों में निकल जाएंगे और दरमियान वाला जो रह जाएगा अब आपके पास ये बन गए कि जैसे वो ऊपर वाला नंबर था उसके तीन सेट भी बन गए कि फाइव फोर थ्री एक सेट बन गया जिसमें तीन डिजिट हैं और राइट साइड पर फाइव नाइन एट जिसमें के तीन डिजिट्स हैं ये दूसरा सा बन गया और नाइन दरम्यान में रह गया अब आप ये कहें कि एड दीज थ्री कंपोनेंट्स

ऐसा भी होगा कि बाद में सिर्फ तीन ही होंगे तो जहरा इसमें वो तीनों को कंसिडर हो जाएंगे बाद में सिर्फ दो भी हो सकते हैं किसी में एक भी हो सकता है तो उस केस में तो ठीक है वो दो या वो एक एस कंसिडर हो जाएंगे लेकिन अगर वो तीन से एक्सीड करते हैं इट मीन्स कि इट इज एक्सीडिंग 1000 उस केस में आप जो लेफ्ट मोस्ट है या मोस्ट सिग्निफिकेंट है उसको इग्नोर कर दें और जो लिस्ट सिग्निफिकेंट है उनको आप ले लें देर आर गुड हैशिंग एलग्रदम्स एंड देर आर बैड हैशिंग एलग्रदम्स और ये है कि बल्स आर नॉट शॉर्ट ऑफ परमानेंट जनरली ये जो हम गुड या बैड कह सकते हैं वह आपके एन्वायरमेंट पर आप कहें या जो आपका की डाटा की जो वैल्यूज हैं उस पर डिपेंड करता है इसलिए आप हर इन्वायरमेंट में फॉर श्योर sure एक हैशिंग एलग्रदम जो है उसको नहीं ले सकते बल्कि वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डाटा आप सेलेक्ट करेंगे अब वो स्मार्ट जो आपका एल्ग्रदम हैशिंग एलग्रोदम उसकी क्या निशानी है उसकी निशानी यह है कि वो आपके लिए तमाम रिकॉर्ड्स के लिए यूनिक नंबर जनरेट करेगा यानी आप जब पास जितनी भी की वैल्यूज हैं जब आप वो स्पेशन अप्लाई करें तो वो आपको हर रिकॉर्ड के लिए एक डिफरेंट लोकेशन दे दे। एडवांटेज तो क्या है एडवांटेज यह है कि नाउ इन दैट सिचुएशन एवरी रिकॉर्ड हैज गॉट इट्स ओन प्लेस इन द फाइल एंड द रिकॉर्ड इज स्टोर्ड एट दैट प्लेस एंड देर इज नो प्रॉब्लम

उससे हमारी क्या मुराद थी उससे यही मुराद थी कि जो एलग्रदम किसी एक इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कोलिजन जनरेट करे इसका मतलब है कि दैट एलग्रिदम इज़ नॉट सुटेबल इन दैट इन्वायरमेंट यू शुड ट्राई सम अदर वन देखें जैसे कि स्टेटमेंट से जाहिर है कि कल्यूजन आपके होंगे तो जरूर आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कुलजन होंगे जरूर लेकिन अगर वो कम है अब कम से क्या मुराद है अगेन इट इज़ ए रिलेटिव थिंग किसी के नज़दीक हजार में से दस कम है किसी के नजदीक हजार में से सौ भी चल जाएंगे इट्स अप टू यू लेकिन यह है कि कोलिजन जो है वो एक्सपेक्ट जरूर करें वो जरूर होंगे लेकिन यह है कि अगर बहुत ज्यादा कल्यूजन हो रहे हैं तो वो एल्गोरिथम जो है वो इस एनवायरमेंट में सूटेबल नहीं है अब कोलिजन है क्या लाइक अप्लाइंग प्रीवियस अलग्रदम ऑन दिस साइडी कार्ड नंबर तो गिव्स द वैल्यू वन वन फाइव जीरो अब आपने ये एल्गोरिथम आपने वही एल्गोरिथम जो हमने पीछे डिस्कस किया था इसका मिडिल पार्ट लिया उस पर वही अप्लाई किया एल्गोरिथम और उस पर आपको यही जो है वो मिल गई की वैल्यू मिल गई जब आपने इसके लीस्ट थ्री सिग्निफिकेंट नंबर लिए यू गॉट वन वन फिफ्टी कंसिडरिंग द थ्री लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर द वी गेट वन फिफ्टी विच इज़ कुलीजन आई होप नाव यूर क्लियर वट डू यू मीन बाय द कुलीजन कुलजन मीन्स के वैन वी गेट द सेम हैश वैल्यू

अप्लाई किया था अलग्रदम उसको आप 150 लोकेशन पे जाकर स्टोर करें और अब इसके ऊपर दोबारा आपसे कह रहा है कि इसको भी 150 फिफ्टी पे स्टोर करें इसका मतलब क्या होगा अगर आप इस हैशिंग अलग्रदम की तमाम बातें अच्छे बच्चों की तनाव मानते चले जाएँ तो क्या होगा आप एक रिकॉर्ड पहले स्टोर कर चुके हैं उसने कहा कि ये भी स्टोर कर दो आपने वो स्टोर कर दिया नतीजा क्या निकला एक रिकॉर्ड आपका गया और अगर आपका हैशिंग एल्गोरिथम बहुत बुरा था और आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं तो क्या हो रहा है कि वो आपको बार बार कह रहा है कि वन फिफ्टी वन फिफ्टी अब क्या कह रहे हैं वो वन फिफ्टी कहे जा रहा है आप वहाँ स्टोर किए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हर प्रीवियस रिकॉर्ड को आप ओवर राइट किए जा रहे हैं और दिस इज द दिस इज द डार्क साइड दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ एन एनशियन एकदम और ये वो नुकसान है जो कि आपको होगा अगर आप इस चीज को टैकल नहीं करेंगे अब जरा कि टैकल करने के कोई ना कोई मैकेनिज्म तो इट इज देयर लेकिन साथ ही अब ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि अगर बहुत ज्यादा क्लिजन हो रहे हैं देन यू हैव टू डू दैट एक्स्ट्रा बेट वो एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ेगा जो कि क्लूजनस को डिटेक्ट कर रहा है और उसको मैनेज कर रहा है तो ज़ाहिर है कि अगर आपके क्लूजन बहुत ज्यादा हो रहे हैं इट मीन्स कि यू हैव टू परफॉर्म दैट एडिशनल एक्टिविटी टू मच तो उससे फिर वही बात हो रही है कि आपकी जो ओवरऑल एफिशियंसी है वो इट इज इट इज गेटिंग इट इज गेटिंग डिस्टर्ब तो उस केस में जाहिर के है कि रिकमेंडेड ये होगा कि यू ट्राई सम अदर हैशिंग एल्गोरिथम जो कि इतने क्लूजन जनरेट ना करें हाउ डू वी हैंडल द कुलिज रिकॉर्ड्स आर अरेंज इन बकेट्स कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स यानी आप ये करें कि आप जायज़ के कि आप रिकॉर्ड्स को इंडिविजुअली हैंडल करें मैनेज है, करें आप ये कंसिडर करें कि रिकॉर्ड्स हैं वो बकेट्स में स्टोर हो रहे हैं और बकेट्स का आइडिया यही है कि जिसमें एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है और अगर हम प्रीवियस से जो इंडेक्स सिक्वेंशन की एग्जांपल थी उसी को अगर कंटिन्यू करें तो यू कैन थिंक ऑफ ए ट्रैक लाइक अ बकेट कि वो एक ट्रैक आपका एक बकेट है दैट कैन स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड्स और कीज आर जनरेटेड फॉर बकेट्स लीव स्पेयर रिकॉर्ड प्लेस इन बकेट्स अब ये होगा कि आप अगर फर्ज करें कि एक बकेट में अगर आपके पास चार, चार रिकॉर्ड आ सकते हैं तो आप उसमें प्रैक्टिकली ये करें कि तीन रिकॉर्ड्स की जगह छोड़ दें तीन रिकार्ड स्टोर करें और एक को स्पेयर छोड़ दें ताकि अगर जब कुलजन हो कुलीजन होगा तो आप उसी में से दिया कि फर्ज आपने तीन स्टोर करने लेकिन अगर जगह चार की है तो अगर चौथे के लिए भी आता है सेम बकेट नंबर तो आप उसको एडजस्ट कर सकेंगे If we expect 800 पर बकेट वी नीड 200 हंड्रेड बकेट बट रादर दैन जनरेटिंग up टू 200, वी फिक्स द रेंज एज टू 50. दिस leaves एक्स्ट्रा स्पेस इन ईच बकेट जैसे कि ज़ाहिर है यहां पे आपको आठ सौ रिकॉर्ड्स के लिए तो अगर चार रिकॉर्ड एक बकेट में तो आपको टू हंड्रेड तक नंबर लेना चाहिए बिकॉज नाउ यू आर जनरेटिंग नंबर फॉर द बकेट नॉट फॉर द रिकॉर्ड्स तो लेकिन आप क्या करें कि आप टू फिफ्टी तक उसका रेंज बढ़ा लें टू फिफ्टी जरूरी नहीं है सब टू यू टू टू थर्टी कर लें टू फोर्टी कर लें टू ट्वेंटी फाइव कर लें ये डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर हैशिंग एल्गोरिथम अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत ज़्यादा ज़्या जो है ना क्लूजिए नहीं करेगा तो आप रेंज को थोड़ा इक्रीज करें यू कैन मेक इट अपू टू ट्वेंटी या टू टेन कर लें बट इफ़ यू आर डाउटफुल अबाउट इट्स परफॉर्मेंस कि आपको पता है कि ये कुलिजन जनरेट कर सकता है तो फिर आप उसको 250 तक कर लें आपको रिक्वायर्ड तो है 200 हंड्रेड बकेट्स लेकिन आप उसको रिकॉर्ड को स्प्रेड कर रहे हैं स्प्रिट कर रहे हैं टू 50 में तो वो आप फिर वही बात है कि आपने एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दिया है उससे आपके कोलिजन जो है वो कम होंगे और आप उसको हम एकमोडेट कर सकेंगे और दूसरी बात यह कि अगर फर्ज करें डिफरेंट उनके लिए सेम बकेट नंबर आ भी जाता है तो आप उनको उनमें अकोमोडेट कर सकते हैं उन बकेट्स के अंदर पॉइंट द प्लेस फॉर द क्वालिटी रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट बकेट्स अब होता ये कि फर्ज करें कि आपके पास एक बकेट में आपने जो जगह वो तीन की छोड़ी हुई थी और एक स्पेस थी अब होगा ये कि आपने चौथे एक और रिकॉर्ड के लिए भी उस वही बकेट आ गई आपने उसको हम प्लेस कर दिया यट शू गॉट द सेम बकेट फॉर एन अदर रिकॉर्ड अब क्या होगा कि आप, आप ये करें कि इसके लिए आप जो आपकी नेक्स्ट बकेट है उसमें स्पेस जो है वो ढूंढने की कोशिश करें और ये साथ ही ये काम ये करें कि इस जो उसकी ओरिजिनल बकेट थी देर आर यू लीव सम इंफॉर्मेशन सम लिंक कि इसका जो एक और रिकॉर्ड है वो किसी और बकेट में एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ये नेक्स्ट में नहीं है तो उससे भी एक नेक्स्ट में तो जिस नेक्स्ट बकेट के अंदर भी आपको वो इस रिकॉर्ड की जगह मिलती है तो आप अपनी जो उसकी ओरिजिनल बकेट है वहाँ पर कोई क्लू छोड़ें क्यों बिकॉज विल वैन विल यू अप्लाई द सेम एलग्रदम टू एक्सेस द रिकॉर्ड तो अगेन यू विल रिसीव द सेम बकेट नंबर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द सेम बकेट नंबर दैट विल बी गिवन टू यू बाय द हैशिंग अलग्रदम और वहां पे अगर आप ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे ये ट्रैक नहीं छोड़ेंगे कि देर इज सम अदर रिकॉर्ड ऑफ द सेम बकेट इन सम एल्स तो उस केस में आपको कैसे पता चलेगा कि हमें आगे भी जाना है आपने देखे कि वहां पे चार रिकॉर्ड थे उनमें आपका मतलब रिकॉर्ड नहीं था तो आप समझेगा रिकॉर्ड है ही नहीं प्रैक्टिकली हुआ यह था कि वो ओवरफ्लो हो गया था बकेट का और वो रिकॉर्ड किसी और बकेट में हो चुका था तो जो उसकी ओरिजिनल बकेट बकेट थी देयर यू विल लीव सम ट्रेस के के इस बकेट के और रिकॉर्ड रिकॉर्ड या ये रिकौर्ड बकेट में ताकि चेन मेंटेन रहेगी हाँ, एक तो यह है कि आप जैसे हमने अभी आपसे कहा कि नेक्स्ट बकेट में देखें उससे नेक्स्ट बकेट में देखें और ऑब्वियसली यू हैव टू टू इम्पोज ए लिमिट ऑन दैट एज वेल कि आपने इतने बकेट तक नेक्स्ट ट्राई करना है देखें ऐसा भी नहीं है ना कि आप फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट ट्राई करते चले पता चले कि ओरिजिनल बकेट से वो दस बकेट दूर स्टोर है ऐसा नहीं है आप एक लिमिट रखें और जब आपके रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा उस लिमिट से एक्सीड करने लगे अगेन डू द सेम प्रोसेस कि आप उसका जो हैशिंग एल्गोरिथम है उसको चेंज कर दें तो इसका मतलब है कि जब आपको ये इतनी ज़्यादा उसमें आपको बकेट्स ओवरफ्लो हो रहे हैं इसका मतलब है कि ये भी जो आपको हैशिंग एल्गोरिथम है वो इसके लिए सूटेबल नहीं है दूसरी सिचुएशन ये जैसे यहाँ पर मैंशनड है कि आप जैसे आपने पहले किया था कि फाइल uh, uh, जो इंडेक्स इक्वेशन फाइल है उसमें यू फिक्सड इन ओवरफ्लो एरिया इसी तरीके से आप इसमें भी हैशिंग के अंदर भी आप क्या करें कि ओवरफ्लो एरिया जो है वो डिटर्मिन कर लें अब क्या हुआ कि फर्ज uh, करें अगर आपने बकेट्स uh, नहीं रखे हुए फर्ज के आप डायरेक्ट रिकॉर्ड पे अप्लाई कर रहे हैं तो फर्ज करें जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली थी कि पहले रिकॉर्ड पर 150 आया आपने पहले रिकॉर्ड को वहाँ स्टोर कर दिया दूसरे रिकॉर्ड पर दोबारा 150 आ गया यू वेंट व्हेन यू वेंट देयर एट 150 लोकेशन

को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या होगा कि आप उस पर हैशिंग अलग अप्लाई करेंगे यू विल गेट वन फिफ्टी लेकिन जब वहां जाएंगे देर यू वॉन्ट फाइव फाइंड दैट रिकॉर्ड तो वहां से आपको पता चल जाएगा साथ ही कि इसका लिंक अभी पड़ा हुआ है ओवरफ्लो एरिया में तो वहां से उस लिंक को लेकर आप आ जाएंगे ओवरफ्लो एरिया में और वहां से आप उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेंगे और जाहिर है कि दिस थिंग यू कैन गेस वेरी इजीली कि अगर फर्ज करें यू गेट येट अनदर रिकॉर्ड दैट मैप्स टू द सेम वैल्यू ऑफ 150 फिफ्टी अगेन इसका मतलब क्या होगा कि आप का एक और रिकॉर्ड जो कोलाइड कर गया तो क्या करेंगे फिर वही बात है कि आप जो 150 फिफ्टी में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसमें एक लिंक पड़ा हुआ है एक रिकॉर्ड का जो कि ओवरफ्लो एरिया में है तो आप ये जो तीसरा रिकॉर्ड आया था इसको भी मूव कर देंगे जहां भी आप नेक्स्ट अवेलेबल जगह है ओवरफ्लो एरिया में और जो पहला जो दूसरा रिकॉर्ड था जो कि ओवरफ्लो एरिया में मौजूद है उसके अंदर आप लिंक छोड़ देंगे इस रिकॉर्ड का जो आप तीसरा रिकॉर्ड आया ओवरफ्लो एरिया में तो यूँ होगा कि जब आप इसको एक्सेस करने आएंगे अगेन जब आप उस पर हैशिंग अलग्रदम अप्लाई करेंगे रिकार्ड द सेम नंबर वन तो आप पहले रिकॉर्ड पर जाएंगे दिस इज नॉट योर रिकॉर्ड रिकॉर्ड वहाँ से लिंक पड़ा हुआ है और फिर देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड का वहाँ आएंगे अगेन दैट इज़ नॉट योर रिकॉर्ड रिकॉर्ड लेकिन साथ ही लिंक पड़ा हुआ नेक्स्ट रिकॉर्ड का वहाँ से आप लेके अपने जब रिकॉर्ड पर दैट इज योर रिकॉर्ड रिकॉर्ड इसी तरह फर्ज करें कि आप बाद में रीड करते हुए आप एक आपने एक जब अलगम अप्लाई किया यू गैट अ वैल्यू और जो कि कर फ़र्ज़ करें आपके पास थ्री फिफ्टी फाइव है जब आप थ्री फिफ्टी फाइव पर गए तो वहां पर कोई भी डाटा नहीं था इसका मतलब यह हुआ कि जब आप डाटा राइट कर रहे थे उस वक्त तक आपने इस रिकॉर्ड को लिखा ही नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक आपके पास की जनरेट हो गई और आप वहाँ पर लिखें और बाद में आपको वहाँ मिले ना अगर एक की जनरेट हुई और उस की की जगह जो जो बनती है वहाँ पे अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका मतलब यह है कि लिखते हुए अभी तक आपने वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं लिखा आप इसको ये वही सिचुएशन है कि जब आप एक किसी चीज को ढूंढना चाहे फाइल में वो वहां पर नहीं है एंड ओवर फ्लो एरिया प्रॉब्लम ये हम जैसे बात कर चुके हैं पॉइंटर एट द द एंड ऑफ बकेट एरिया पॉइंट रिकॉर्ड इन इट्स इट्सोंडिंग्लो एरिया ये हमने वही बात की है और सिरेनम से वही है कि जहां पर हो आ रहा है आपका ईच रिकॉर्ड इन द फ्लो एरिया नेक्स्ट कंटेन्सनम पॉइंटर टू द पॉसिबल नेक्स्ट रिकॉर्ड इन दैट बकेट फ्लोरिया जैसे हमने बात की हमने इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वी हैव शोन डिफरेंट बकेट्स हैं बकेट जीरो वन टू अब देर आर सिक्स प्लेस ऑफ रिकॉर्ड इन वन बकेट और आप देख रहे हैं तो कि मिसाल के तौर पर अगर बकेट जीरो देखें सिक्स इसमेंड्स आर देयर फॉर द बकेट वन अब ये होगा कि फ़र्ज करें जो हमारे पास आ जाता है एक और रिकॉर्ड जो कि फिफ्टी फाइव हंड्रेड है उस पर जब हमने अपना हैशिंग आरगम अप्लाई किया तो इट ऑल्सो रिजल्टड इन द बकेट जीरो जब इस पर अपलाई किया अब ये होगा कि चूंकि बकेट जीरो इज़ ऑलरेडी फुल तो ये रिकॉर्ड मूव हो जाएगा आपका ओवरफ्लो एरिया में और जो आपके पास बकेट जीरो है यहाँ पे जो आपका लास्ट रिकॉर्ड है इसमें एक पॉइंटर जो एडजस्ट अच्छा हो जाएगा दैट विल बी पॉइंटिंग टू दिस रिकॉर्ड देर इज अ रिकॉर्ड दैट बिलोंग्स टू दिस बकेट बट इट इज इन द ओवरफ्लो एरिया और अगर आप देखें बाकी बकेट्स को देखें बकेट वन बकेट टू को तो देर आर स्टिल स्पेसिस इन द बकेट्स तो उसमें जो पॉइंटर्स आपके ओवरफ्लो एरे को पॉइंट कर रहे हैं दे आर बेसिकली हैविंग नल वैल्यू इसका मतलब यही है कि आपके इन जो बकेट्स हैं इनके रिकॉर्ड जो है वो वहां पर नहीं है और द सेम अप्रोच दिस ओवरफ्लो मैकेनिज्म इट कैन बी अप्लाइड इन द सिमिलर फैशन ऑन द इंडिविजुअल रिकॉर्ड एंड एज वेल एज ऑन द बकेट एज इज शोन इन द डायग्राम समरी ऑफ द डाटा स्टोरेज कॉन्सेप्ट्स different types of storage devices are available for storing data. Dear students, this we discussed in the lecture number 34 that there are different types of devices available. और हमने इनकी जो classification की थी वो species पे की थी कि कौन से जो हैं वो आपके volatile या non volatile हैं, कौन से जो हैं वो अपना cost wise और इसके अलावा जो अपना speed wise जो access speed है वो किस तरह से efficient हैं कौन से और हमने देखा था कि there different categories. बाज जो हैं वो cost में expensive हैं लेकिन speed में बहुत fast हैं और obviously यानी जो एक जो स्पीड है या एफिशिएंट एक्सेस है वो एक प्राइम फैक्टर है मेमोरी की सिलेक्शन में क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके थे कि जो प्रोसेसर है आपका जो प्रोसेसर है माइक्रो प्रोसेसर है उसकी स्पीड जो हैम्पर होती है स्लो होती है वो ड्यू टू इंटरेक्शन विद दिस डिवाइसेस है तो अगर आपकी मेमोरीज़ फ़ास्ट हैं और इसके अलावा अगर मेमोरी फ़ास्ट नहीं भी है तो अगर डिफरेंट लेवल्स की मेमोरीज़ हैं तो अगर प्रॉपर टाइप की मेमोरी में डेटा प्लेस कर लें और प्रोसेसर उसको एफिशिएंटली एक्सेस कर सके तो उससे आपके जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड में बहुत फ़र्क पड़ेगा हमने जिस टाइप की मेमरीज को डिस्कस किया उनमें कैश मेमरी उसके बाद प्राइमरी मेमरी रैम उसके अलावा हमने फ्लैश मेमरी को डिस्कस किया फिर हमने मैग्नेटिक डिस्क को उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क को और आखिर में टेप ड्राइव्स को टेप्स को तो ये हमने डिफरेंट टाइप की मेमरीज को स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि डिफरेंट डिवाइसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अलावा हमने इस लेक्चर में और पिछले लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किए हैं वो हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन वी डिस्कस दैट आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन उसमें सीक्वेंशल है इंडेक्स सीक्वेंशल है और रेंडम या डायरेक्ट है सीक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी यही है कि वो उसमें जो आपका डाटा है वो एक सीक्वेंस में स्टोर होता है और नॉर्मली वो जो सीक्वेंस है वो की के बेस पे होता है कि की वैल्यू के की बेस पे आप तरतीबार जो है रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं और वो जब आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं बाद मिजिट करना चाहते हैं तो आपको वो उसी सीक्वेंस में मिलेगा लेकिन सिक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस अनवामेंट में सूटेबल है कि जहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस मीन्स के एन एक्सेस बेस्ड ऑन समीशन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सम एट्रीब्यूट जिस केस में आपको वो नहीं चाहिए सिक्वेंशल जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो उस सिचुएशन में उस इन्वायरमेंट में सूटेबल है कि जब आपको पता है कि आपने जब भी ऑपरेशन करना है वो पहले रिकॉर्ड से लेके कर आखिर तक, तक तमाम रिकॉर्ड पे बारी 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 आपने ऑपरेशन करना है उस केस में सिक्वेंशल फाइल ऑर्गनाइजेशन जो वो सूटेबल है लेकिन मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिकली ऐसी इन्वायरमेंट्स हैं ऐसी सिचुएशन वो नस्बता बहुत कम है इसके अलावा हमने एक और जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी वो थी इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल। उसमें यह है कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्टोर तो सीक्वेंस में ही हो रहे हैं जैसे कि सीक्वेंशियल फाइल्स में होते हैं और वो उनका सीक्वेंस मेंटेन भी किया जाता है लेकिन साथ ही साथ एक इंडेक्स भी मेंटेन हो रहा है और वो इंडेक्स मेंटेन इस तरह से हो रहा है कि आपको वो जो इंडेक्स है वो अपने जो रिकॉर्ड है किसी पे वो डायरेक्ट एक्सेस में हेल्प देता है एंड डायरेक्ट एक्सेस वी मीन दैट आफ्टर ए फ्यू एक्सेसेस नॉट डायरेक्ट टू द रिकॉर्ड बट आफ्टर ए फ्यू एक्सेसेस यू कैन रीच अप टू योर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड जो कि अगर ये इंडेक्स ना होता तो आपको वो सीक्वेंस में एक्सेस करना पड़ता उसी तरतीब से तो आपको इंडेक्स सिक्वेंशल की जो फीचर वो ये है फिर हमने ये देखा कि जो इंडेक्स सिक्वेंशल फाइल्स में जो इंडेक्सेस मेंटेन होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें हमने पढ़ा है डेंस की इंडेक्स को जिसमें कि हर हर की के अगेंस्ट हर की वैल्यू के अगेंस्ट आपकी एक एंट्री होगी कि कौन सी की का रिकॉर्ड कहाँ पड़ा हुआ है और फिर हमने पढ़ा नॉन डेंस नॉन डेंस में यह कि बजाय हर रिकॉर्ड uh, के अगेंस्ट आप एक एंट्री करें आप पूरे ट्रैक के अगेंस्ट एक एंट्री करते हैं और वो एंट्री ये होती है कि इस ट्रैक का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो उसकी क्या वैल्यू और वो ट्रैक का एड्रेस होता है उससे ये होता है कि आपके पास जो आपका जो आपकी जो इंडेक्स फाइल है इट गेट्स शॉर्टर इन साइज एंड मोर एफिशेंट इन एक्सेस तो ये तो हमने पढ़ा हमारे पास था कि द इंडेक्स फाइल फिर हमने ये देखा कि इंडेक्स फाइल्स के अंदर जो है वो ओवरफ्लो एक सनैरी हो जाता है कि व्हेन यू कीप ऑन इंसर्टिंग द रिकॉर्ड्स एंड दोज रिकॉर्ड आर नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ द की उस केस में आपका जो ट्रैक्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं तो ओवरफ्लो को आप कैसे मैनेज करते हैं और उसका इफेक्ट जो है वो इंडेक्स फाइल पे कैसे होता है दैट वी डिस्कस्ड और फिर हमने ये देखा था कि इंडेक्स की एक्सेस को मजीद स्मार्ट करने के लिए मज़दीद एफिशेंट करने के लिए दर इज़ ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी कि आप उसके ऊपर सिलेंडर इंडेक्स बना लें जो सिलेंडर इंडेक्स है उसमें होगा कि हर सिलेंडर के गेस्ट एक एंट्री होगी उससे होगा कि आप एक एंट्री को कंपेयर करने के साथ यू कैन स्किप और यू कैन कंपेयर ऑल द ट्रैक्स इन दैट सिलेंडर तो वो उस पर हमने एक चीज पढ़ी फाइनली इस लेक्चर के अंदर अमंग द फाइल ऑर्गेनाइजेशन वी स्टडेड द डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन या रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि आपने देखा कि आइडिया उसमें यही है कि आपके पास कोई ऐसा एक एलग्रदम होना चाहिए ऐसी कोई टेक्निक होनी चाहिए दैट यू अप्लाई ऑन द वैल्यू ऑफ की फील्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कैलकुलेशन दैट एलग्रदम यू गेट ए वैल्यू ए सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू दैट वैल्यू डिटर्मेंस लोकेशन और द प्लेस ऑफ दैट रिकॉर्ड इन द फाइल जहाँ पे आप डाटा स्टोर कर रहे हैं तो उसमें फिर हमने जो आपके पास ये जो रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो डिफरेंट इशूज थे कि कौन से एलग्रदम है दैट वी कैन अप्लाई और फिर उसमें एक और टेक्निक थी फोल्डिंग की वो हमने डिस्कस की इसके अलावा ये था कि इसमें कोलिजन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सुटेबिलिटी डिटर्मिन करता है किसी भी हैशिंग एलग्रदम की तो ये हमने इस तरह से हमने इन टॉपिक्स को इन चीज़ों में डिस्कस किया और देखें वही बात है कि आपके पास ऑल दीज आर द ऑप्शंस कौन सी आपको सूट करती है दैट यू हैव टू डिसाइड सींग यो रिक्वायरमेंट्स एंड सींग दी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस थिंग्स अब यहाँ पर हमारे जो डाटा स्टोरेज कॉन्सेप्ट का जो हमारा टॉपिक था वो कवर हो चुका हुआ है अब हम मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है इंडक्सेज एंड व्यूज डी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो टर्म लिखी हुई है इंडेक्स एंड व्यूज़ की ये दो अलग अलग चीज़ें हैं इंडेक्स एक चीज़ है और व्यू एक चीज़ है या बस में रिलेट भी कर सकते हैं करते हैं लेकिन अदरवाइज ये टॉपिक वाइज अलग अलग है दिस इंडेक्स यू शुड नॉट कन्फ्यूज इट विद दिस इंडेक्स sequential फाइल ऑर्गेनाइजेशन वो एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है लेकिन यहाँ पर अब जो हम इंडेक्सेस की बात करते हैं वो ये है कि हम डिफरेंट एट्रीब्यूट के ऊपर इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं अब जो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है वैसे वो तो वही है जो कि हमने इंडेक्स सिक्वेंशन में लिया था यानी कि जिस तरह से हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशन में एक इंडेक्स फाइल बनती है वही हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं लेकिन वहां पे जब हमने पढ़ा था उसको तो के, के के पे। यहां पे हम अब इसको डाटा की ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम इसको रिलेट नहीं कर रहे यहाँ पे हम इंडिविजुअली सिर्फ इंडेक्सेस को डिस्कस करेंगे क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके जो वहाँ पे इंडेक्स बन रहा था वो बना था की वैल्यू के बेस के ऊपर की एट्रीब्यूट के बेस पे और आपके रिकॉर्ड भी उसी ऑर्डर में स्टोर थे लेकिन आप यहाँ पे ये यह देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हमें जो इंडेक्स है वो किसी एक ही एट्रीब्यूट पे चाहिए हो बल्कि हम देखेंगे हमें मल्टीपल उसके ऊपर भी इंडेक्स चाहिए होते हैं और, और दूसरी बात यह है यहीं से ये यह बात निकलती है कि वी कैन हैव मल्टीपल इंडेक्सेज ऑन द सेम फाइल और वहां पे जब हमने बात की थी इंडेक्स सिक्वेंशियल की तो वहां पे हमने सिर्फ एक ही इंडेक्स की बात की थी वो इंडेक्स कि जिसकी वैल्यू के बेस पे आपके रिकॉर्ड स्टोर होते हैं और नॉर्मली दैट इज प्राइमरी की इसके अलावा जो एक और टॉपिक हमने इस पर्टिकुलर पार्ट part में डिस्कस करना है वो दैट इज व्यूज व्यूज से मुराद यह है कि आप जो आपके पास डेटा स्टोर्ड है उसको उसके ऊपर आप एक विंडो से क्रिएट कर लें और ये जो व्यूज़ कॉन्सेप्ट है ये हमने जब थ्री लेवल्स की आर्किटेक्चर पढ़ा था उस पर जिस चीज़ को हमने कहा था ना एक्सटर्नल व्यूज़ दिस व्यूज़ रिजेंबल्स दोज एक्सटर्नल व्यूज़ और व्यूज़ को जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल्स में इसमें देखेंगे कि इसकी बहुत सी रीज़न हैं क्रिएट करने की लेकिन एक जो सबसे बड़ी रीज़न है इसकी ओके वो, वो ये है कि आप एक जो यूज़र ग्रुप है उसको आप कंस्ट्रेन रखते हैं उसको लिमिटेड रखते हैं या उसको दिखाते हैं वही डाटा जो कि उसको रिक्वायर्ड है और उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में उसको चाहिए तो फिर फिर व्यूज़ की ब्यूटी ये है कि अगर सेम डाटा इज़ रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स तो प्रैक्टिकली तो वो एक तरीके से स्टोर्ड है लेकिन आप डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स को उसको डिफरेंट तरीक़ों से दिखा सकते हैं इसके अलावा बाकी और बहुत सारे फैक्टर हैं व्यूज़ को क्रिएट करने के जो कि हम उसमें पढ़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडेक्सेस एंड व्यूज़ है

द एट्रीब्यूट ऑन विच द कंडीशन इज बिंग अप्लाइड दैट इज द की क्योंकि अब हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ठीक है, है प्राइमरी की, की बेस पे कि जिसके बेस पर अगर डाटा फोर्स्टोर हो रहा है उसके बेस पे तो हमारे पास इंडेक्स मौजूद है लेकिन वट अबाउट दिस दिज आर नॉट द कीज तो अगर ये नहीं है हमारे पास इंडेक्स नहीं इसकी बेस पे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें वो तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो बारी बारी सर्च करने पड़ेंगे और देखिए अगर जैसे फर्स्ट क्यूरी को देखें हमने क्या फाइंड ऑल स्टूडेंट्स इन द स सी एस डिपार्टमेंट फर्स्ट का जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टोर्ड है अपने आई के लिहाज से फिजिकल वैसे स्टोर है और हमें चाहिए वो स्टूडेंट्स जिनका डिपार्टमेंट सी है तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर वही आ जाए की सिचुएशन हमें तमाम रिकॉर्ड्स बारी बारी चेक करने पड़ेंगे एंड द रिक्ड दैट सेटिस दिस कंडीशन कंडीशन क्या है वे डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू सी एस तो वो हमें डिपार्टमेंट चाहिए होंगे अगेन अगर आप गौर करें कि यहाँ पे देर इज़ ए सिक्वेंशल एक्सेस इन्वॉल्व क्यों वो इसलिए कि हो सकता है कि आपने जिस वक्त अपने रिकॉर्ड्स को स्टोर किया हुआ है स्टोर किया हुआ आपने प्राइमरी की रेफरेंस से दैट इज आई डी जैसे हमने पहले करते रहे वो था उस आईडी के तहत हो सकता है कि आपका सीएस का एक रिकॉर्ड जो है वो आ गया पहली पोजीशन पे हो सकता है दूसरा रिकॉर्ड वो, वो आखिरी पोजीशन पे हो इसका मतलब है कि इस केस में आप सीएस के तमाम स्टूडेंट्स लेने के लिए यू हैव टू गो थ्रू ऑल द फाइल्स एंड सिक्वेंशली बिकॉज द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द ऑर्डर ऑफ द आई इसलिए वो आपको ये इसमें सिक्वेंशल सर्च इन्वॉल्व हो जाती है एन इंडेक्स ऑन ए टेबल इज अ डिस्क बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर स्टोर एज फाइल और टेबल दैट स्पीड अप सिलेक्शन ऑन द सर्च की फील्ड फॉर द इंडेक्स यानी होगा ये कि आप जो जिस भी आपने एट्रीब्यूट पे आपने कंडीशन लगाई हुई है उस एट्रीब्यूट पे अगर हमारे पास इंडेक्स मौजूद है तो उस इंडेक्स को रेफर करते हुए आपके जो रिक्वायर्ड रोज हैं उनको आप जल्दी से एक्सेस कर लेंगे तो आपको बेसिकली वो जो सिक्वेंशल एक्सेस है उससे आप अवॉइड कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स इंडेक्सेस और व्यूज के टॉपिक को हम यहां पे छोड़ते हैं और इसको हम इंशाल्लाह आपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में हमने कंक्लूड किया है अपने डिस्कशन को फाइल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसमें हमने आज के लेक्चर में डिटेल के साथ जो रैंडम या हैश बेस्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्कस किया है और हम साथ ही अपने अगले टॉपिक इंडेक्सेस एंड व्यूज में एंटर हो चुके हैं और मैं आपको एक दफ़ा फिर ये चीज़ एक दफ़ा आपको ये इंस्ट्रक्शन दूंगा या सजेस्ट करूंगा कि आप इन तमाम ऑप्शंस को समझें और इनके फीचर्स के बारे में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि आपको एज ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल एक एज ए सक्सेसफुल डाटा बेस प्रोफेशनल ये ज़रूरी आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं तभी आप एक सिचुएशन में एक प्रॉपर जो डिसीशन है वो कर सकेंगे क्योंकि तो जो ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी है देखें आपने डिज़ाइन फेज के दौरान बहुत से डिसीशन किए हैं इस वक्त आप जो डाटा की इम्प्लीमेंटेशन है उससे गुजर रहे हैं तो ये तमाम डिसीशन जो आपने डिज़ाइन फेज के दौरान किए थे या आपने ये इम्प्लीमेंटेशन फेज के दौरान किए हैं ये तमाम मिल के दे देटैब्लिश और दे डिटर्मिन द एफिशिएंसी ऑफ योर सिस्टम अगर आप इनमें से किसी एक स्टेज पे, दो स्टेज पे छोटे छोटे फैसले भी गलत करते हैं और थोड़ी थोड़ी इनफिशियंसी जो है दे कीप ऑन क्रिपिंग इन तो ओवरऑल जो आपका सिस्टम है इट बिकम्स वेरी इनफिशियंट इसलिए आपको इन तमाम बातों को पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि किस केस में हमें क्या डिसीजन करना चाहिए बाकी डिस्कशन अगले लेक्चर में अल्लाह हाफिज़